खबर मैनपुरी से है, जहां करहल में आज सपा का दिवाकर समाज सम्मेलन हुआ संपन्न। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेतागण आज जनपद मैनपुरी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कस्बा करहल के रोहित पैलेस में आयोजित समाजवादी पार्टी के दिवाकर समाज सम्मेलन को संबोधित कर भाजपा पर जमकर जुबानी हमला बोला है। इस दौरान दिवाकर समाज की ओर से सपा महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव व पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव सहित तमाम अतिथिगणों को स्मृति चिन्ह व तलवार भेंट कर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा कि भाजपा सरकार अब पूरी तरह फेल है, फर्जी एनकाउंटर कर पुलिस झूठी वाहवाही लूटने में लगी है, बेरोजगार को रोजगार के नाम पर छला जा रहा है, किसानों को खाद बीज तक नहीं मिल पा रहा, थाने तहसीलों में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्हें भाजपा सरकार से सावधान रहने की बात कहते हुए विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की ऐतिहासिक जीत होने की बात दोहराई है। पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव ने कहा कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लोकसभा चुनाव के नतीजे यह स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश के अब विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। सम्मेलन में दिवाकर समाज के लोगों से उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को जिताने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम संयोजक सुमन दिवाकर ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने सदैव ही दिवाकर समाज को सम्मान मान सम्मान दिलाया है, ऐसे में दिवाकर समाज आगामी करहल विधानसभा के उपचुनाव में एकजुटता के साथ समाजवादी पार्टी के पक्ष में लामबंद होकर सपा की ऐतिहासिक जीत का इतिहास लिखेगा। गठबंधन किस तरह का प्रदर्शन करता दिखाई दे रहा है? जीत रहा है हर जगह, हर जगह जीत हो रही है, जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा तक। अच्छा, हरियाणा में जो चुनाव हुए हैं उसमें समाजवादी पार्टी को सीट नहीं मिली गठबंधन? समाजवादी पार्टी कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों में चुनाव होने वाले हैं, बाई इलेक्शन होने वाले हैं, उसको लेके गठबंधन किस तरह का निर्णय करेगा? तो कांग्रेस 5 सीटें मांग रही है। अरे वो मांगती रहेगी, वो अखिलेश जी और राहुल जी अपना तय कर लेंगे जितना जो लगना है। गठबंधन के साथ ही चुनाव होगा ये बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है, धर्मों की राजनीति चल रही है, जिसको लेके आजकल विकास के मुद्दे कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। भाजपा की बात करें तो भाजपा बुलडोजर और एनकाउंटर को लेके बात कहती है और बोलती है कि सरकार जो अपराधियों का जो सोल्यूशन है वो केवल भाजपा में है, इसको लेके आप क्या सोचते हैं? भाजपा ने तो समस्याएं पैदा कर दी, बेरोजगारी, बेतहाशा बढ़ा दी, महंगाई रोक नहीं पा रहे, इन मुद्दों पर और आरक्षण को खत्म कर इन मुद्दों पर कहीं बहस न हो, इसलिए वो दूसरे तरह की बात कर रहे हैं। विवाद पैगंबर को लेकर, विवादी बयान को लेकर तमाम हंगामा मचा हुआ है। देखिए, वो तो अगर किसी के पैगंबर को बात लेके या भगवान को लेके कोई विवादित बयान देगा तो स्वाभाविक ही होना देना ही चाहिए। किसी कोई भी समझदार व्यक्ति, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उसने पैगंबर पर या भगवान पर हमारे कोई बयान देना नहीं चाहिए। बुद्धिमान पत्ता तो यही है, अगर कोई देता है तो मूर्खता है, उसका रिएक्शन होगा। जब नेताजी थे, नेताजी ने हमेशा अंदेशा देता है कि भारत को सबसे ज्यादा अगर खतरा है तो चीन के साथ है। आज ओवैसी ने बयान दिया है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और मोहन भागवत मुसलमानों से डर रहे हैं, जबकि चीन 2000 किलोमीटर तक कब्जा कर चुका है। हम देखिए, ओवैसी को लेकर तो कुछ नहीं कहना चाह रहे, लेकिन ये तो सारा दुनिया जानती है कि कितना अंदर घुसा है। अभी हमारे जनरल ने मालूम क्या है कहा, 2-4 दिन पहले जो नए जनरल हुए हैं, कि स्थिति सामान्य तब हो सकती है, तनाव सामान्य चीन से तब हो सकते हैं जब हम 2020 से पहले की स्थिति हो। इसका अर्थ क्या है? 2020 के बाद 4 साल में चीन बहुत पीछे आ गई हमारे देश में, पीछे जाए तो स्थिति सामान्य हो सकती है, जनरल कह रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री उसका नाम ही नहीं लेंगे चीन का। 10 सीटों पर चुनाव होना है, मेन कौन सी समाजवादी के लिए एम सीट होगी, जिसपे समाजवादी पूरी तरीके से तैयारी होगी? समाजवादी एकदम तैयारी, हमारे सब एमपी हमारे कौन है? ओके सर, 10 सीटों में से करहल विधानसभा आती, करहल सीट में चुनाव हो रहा है और आपने घोषित भी कर दिया तेज प्रताप की यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बीजेपी अपने पूरी दमखम दिखाते हुए तमाम नेता मुख्यमंत्री तक करहल में आ रहे हैं। दूसरे वो आ रहे हैं अपनी जमानत बचाने के लिए, जीतने के लिए थोड़ी आ रहे हैं, जबकि उनका कहना ये है कि यहां तो पहले भी कहते थे, वो टेम्पल लड़ी तो कह रहे थे कमल खिलाएंगे और हमेशा कमल खिलाते रहे, लेकिन कमल यहाँ पता नहीं चलता कहाँ चला जाता, धूल दूसरे तो हो जाता तो फिर हो जाए। उनका कहना है कि परिणाम आने के बाद समाजवादी पार्टी लोगों की आप बात, जिन लोगों की आप बात कर रहे हो जो ये कह रहे हैं, उनकी कोई हैसियत उनके यहाँ नहीं है, यहाँ छोड़िए, जनता में छोड़िए। डिप्टी सीएम मैनपुरी से आमिर अली की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।